हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप फोन अंडर 45,000 रुपीज बताऊंगा। आज की इस वीडियो में जितने भी फोन बता रहा हूं दोस्तों, इस सारे के सारे आपको नए फोन देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलेंगे। और इन सारे फोन से आप बहुत ही बढ़िया गेमिंग भी कर सकते हैं और जो कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 8K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगी। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, सब कुछ आपको इसमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और इन सारे फोन्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन से टॉप 5 बेस्ट फोन है जो आज की इस लिस्ट में आते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे फोन आता है। अगर आप अंडर 45,000 रुपीज में बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तब आप इस फोन को ले सकते हैं। या दोस्तों ये फोन थोड़ा सा आपको पुराना देखने को मिल जाता है, इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और फोन है आईकू की तरफ से, आईकू 7 लेजेंड। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें 6.62 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 5G प्रोसेसर, फ्रंट टच OS 11.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 680 CPU, एडिनो 660 GPU, LPDDR5 RAM, FS3.1 का स्टोरेज, 4000 mAh की बैटरी, 66W का फास्ट चार्जिंग, और इसमें आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और इसके रियर कैमरे में आपको IS देखने को मिलता है, जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 39999 में देखने को मिल जाता है। तो और बात करें दोस्तों इस फोन की, इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 888 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं। जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 66W का फास्ट चार्जिंग, सब कुछ इसमें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है दोस्तों। लेकिन जो इसका फ्रंट कैमरा है वो आपको 16MP का देखने को मिलता है, क्योंकि और भी बेहतर हो सकता था। और इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, यही दो मेजर कॉन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर फोन आता है। तो अगर आप एक ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो और आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हो कि जिसमें आपको रियर और फ्रंट दोनों कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाए, तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। और ये फोन है वीवो की तरफ से, वीवो V23 Pro 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 6.56 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको स्कॉट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 5G प्रोसेसर, फ्रंट टच 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉर्टेक्स A78 CPU, माली G77 MC9 GPU, 4300 mAh की बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग, 108MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 50MP डुअल सेल्फी कैमरा। और इसके रियर कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है, जिससे आप 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से भी आप 4K वीडियो 30fps तक शूट कर पाएंगे। और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो इसमें 12GB 256GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 43990 में देखने को मिल जाता है। तो और बात करें दोस्तों इस फोन की, इसमें आपको जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 50MP का डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 108MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरे के मामले दोस्तों बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हो। इसमें कुछ प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, वो भी आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, प्रोसेसर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों जो इसकी प्राइस है 12GB 256GB आपको 43990 में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेंगे दोस्तों 6 128GB स्टोरेज वाला, तो आपको अंडर 40,000 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज पे आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर फोन आता है। तो आप इस प्राइस रेंज पे अगर आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। और ये फोन है OnePlus की तरफ से, OnePlus 9RT। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें 6.62 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर, कलर OS 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 680 CPU, एडिनो 660 GPU, LPDDR5 RAM, FS3.1 का स्टोरेज, 4500 mAh की बैटरी, 65W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में आपको OIS देखने को मिलता है, जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे और फ्रंट कैमरे में EIS देखने को मिलता है, जिससे आप 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है,
सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। प्राइस की बात की तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 42999 में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों इस फोन की, इस फोन में आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, चाहे इसके डिस्प्ले की बात करें, चाहे कैमरे की बात करें, चाहे प्रोसेसर की बात करें, सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। खास करके दोस्तों जो इसका प्रोसेसर है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 3.85G प्रोसेसर है, जो कि फ्लेक्सिबल लेवल वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस फोन में आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों इसमें आपको एक ही मेजर कॉन देखने को मिलता है कि जो इसका फ्रंट कैमरा आपको 16MP का देखने को मिलता है, जो कि और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल दोस्तों इसमें आपको कोई भी ऐसा मेजर कॉन देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही बढ़िया देखने को फोन मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर फोन आता है, तो अगर आप एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। एक फोन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 8K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं, अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं, और ये फोन है Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11T Pro 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर, MIUI 12.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 680 CPU और डिनो 660 GPU, LPDDR5 MFS 3.1 का स्टोरेज, 5000mAh की 1 बिग बैटरी, 120W का फास्ट चार्जिंग, 108MP का ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी, और इसके रियर कैमरे में आपको EIS देखने को मिल जाता है, जिससे आप 8K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें आपको IP53 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाता है। इसकी बात करें तो आपको 8GB 256GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 41999 में देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों इस फोन की, इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी आपको स्नैपड्रैगन का 3.85G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों इसका रियर कैमरा, वो आपको 108MP का देखने को मिल जाता है, 5000mAh की 1 बिग बैटरी देखने को मिलती है, 120W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। जी दोस्तों ये पहला फोन है जिसमें आपको 120W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आप 8K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हो। हालांकि दोस्तों इसमें आपको दो मेजर कॉन्स देखने को मिल जाते हैं, जो इसका फ्रंट कैमरा है वो उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है, और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि इन डिस्प्ले होना चाहिए। सब कुछ इसमें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं तब आप इस फोन को लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो नंबर 1 पे फोन आता है, ये फोन आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है दोस्तों। कुछ दिन पहले ये फोन आपको अंडर 55,000 के अराउंड देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गई है दोस्तों और ये आपको 45,000 के अराउंड में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया फोन है। फोन है एप्पल की तरफ से iPhone 12 mini। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 5.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर रेटिना HDR OLED HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें आपको सेरेमिक ग्लास ओलियोफोबिक कोटिंग का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, एप्पल A14 बायोनिक चिप, iOS 15.3 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2227mAh की बैटरी, 20W फास्ट चार्जिंग, और 12MP डुअल रियर कैमरा और 12MP सेल्फी, और इसके रियर कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे, और फ्रंट कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है जिससे आप 4K वीडियो 60fps पे शूट कर पाएंगे। और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, और सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको फेस अनलॉक सिर्फ देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो आपको 64GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है आपको 43999 में देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों इस फोन की, फोन बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। वैसे भी दोस्तों जो एप्पल के फोन होते हैं उसमें आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, चाहे उसका डिस्प्ले हो, चाहे कैमरा हो, चाहे प्रोसेसर हो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों जो इसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है वो 2200mAh के करीब देखने को मिल जाती है, और 20W का फास्ट चार्जिंग। तो यहीं पे एक मेजर पॉइंट देखने को मिलता है एप्पल के फोन में कि जो बैटरी देखने को मिलती है उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, उसी के साथ में इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल बात करें तो फोन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है बैटरी को छोड़ के। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 45,000 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।